अभी अभी कैंसर की वजह से इस बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन। शॉक में डूबी पूरी फिल्म इंडस्ट्री। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे बाकी सभी बीमारियों में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल रहता है। ये पूरी तरह से इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको अपने कैंसर का पता किस स्टेज पर लगा है। जितना जल्दी आप अपने कैंसर के बारे में जानते हैं, उसका इलाज करना उतना ही आसान होता है। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है कि कैंसर जैसी बीमारी को मात दे सके। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के कुछ सितारे भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाए हैं। इस लिस्ट में इरफान खान और सोनाली बेंद्रे जैसे कलाकारों का नाम भी आता है। जहां एक तरफ इरफान खान और सोनाली बेंद्रे भारत से दूर विदेशी भूमि पर अपने कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की एक अभिनेत्री कैंसर की इस बीमारी को मात नहीं दे पाई और उसने कल रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सुजाता कुमार का कल देर रात कैंसर की वजह से निधन हो गया। सुजाता फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की पूर्व पत्नी थी, साथ ही वे एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति की बहन भी थी। सुजाता के निधन की ये दुखद खबर उन्हीं की बहन सुचित्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। सुजाता पिछले कुछ दिनों से मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही थी। अपनी बहन की मौत की खबर देखते हुए सुचित्रा ने ट्विटर पर लिखा कि सुजाता कुमार अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हमें 19 अगस्त 2018 रात 11:26 पर छोड़कर चली गई। आज 20 अगस्त दोपहर 11 बजे विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुजाता का कैंसर स्टेज 4 पर था। उनके शरीर के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। सुजाता इसके पहले साल 2012 में भी कैंसर की शिकार हुई थी, लेकिन तब उन्होंने इस बीमारी को मात दे दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी, लेकिन हाल ही में वे फिर से कैंसर की चपेट में आ गई और इस बार इस बीमारी से बच नहीं पाई।